जिनको जिनको ये भिंडी अच्छा लग रहा है एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कि अगले बार लगाएंगे सब लोग। सब लोग लगाएंगे। अभी तक जो हम भिंडी रोपे हुए जिसके कंपेयर में कोई भिंडी है नहीं। सभी को जय हिंद एंड फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में, इस ब्रांड न्यू एपिसोड ब्लॉग में। अभी आप लोग थोड़ा सा सोच रहे होंगे दो चीज़ के बारे में कि मैं किसी प्लॉट पे खड़ा हूँ और दूसरी नंबर चीज़ कि मैंने ये हुडी क्यों डाल रखी है, वो भी मैं गर्मी में। इनफैक्ट अभी गर्मी नहीं है दोस्त, अभी ठंडा आ चुकी है। जब मैं सुबह आज जो कार्यक्रम है उसकी वजह से मुझे मॉर्निंग के 5 बजे निकलना पड़ा घर से, जिसकी वजह से मैंने हुडी डाल के निकला क्योंकि इतना ज़्यादा कुहासा और ठंड लग रही थी बाइक पे कि मैं बता नहीं सकता। इसके लिए मुझे हुडी पहन के आना पड़ा। और दूसरा नंबर, जिस प्लॉट पे मैं अभी खड़ा हूँ वो एक ओकड़ा की प्लॉट है, यानी ओकड़ा जिसको आप लेडीज फिंगर भी बोल सकते हो और भिंडी भी आप हिंदी में बोल सकते हो। ओकड़ा साइंटिफिक नेम है बेसिकली ये। तो अभी मैं यहाँ पे किस लिए खड़ा हूँ ये मैं ज़्यादा डिटेल्स तो नहीं शेयर करूँगा, अभी ये मैं सारा कुछ दिखाने वाला हूँ धीरे धीरे। लेकिन ये इतना बता सकता हूँ कि ये अभी जिस प्लॉट पे मैं खड़ा हूँ इतना है कि इंडिया के सबसे बेस्ट ओकड़ा की प्लॉट पे है। एंड थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपको हम अपने साथ के एक टेरिटरी मैनेजर से जो कि इस वक्त हमारे साथ फील्ड पर मौजूद है। सो सर जरा एक मिनट इधर आइएगा। तो ये है हमारे टेरिटरी मैनेजर जिनका कि हेडक्वार्टर कटिहार पड़ता है। और सर अपना नाम बताइए एक बार। जी नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। राजेश कुमार सिंह सर का नाम हुआ और इनका कावेरी सीड कंपनी से हम लोग है। एज यू नो हम लोग एग्रीकल्चर के लिए काम करते हैं और कावेरी सीड कंपनी, और बहुत ही प्राउडली हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग कावेरी सीड कंपनी की तरफ से, क्योंकि जो प्रोडक्ट हम लोग सर्व करते हैं वो हम लोग ऐसा प्रोडक्ट देते हैं जो कि फार्मर्स के लिए, जो हमारा स्लोगन है कि फार्मर्स के सौभाग्य के लिए राजमार्ग, तो एक्चुअल में हम वैसा प्रोडक्ट सर्व करके देते हैं। इसके लिए हम लोग प्राउडली बोलते हैं कि हम लोग कावेरी सीड कंपनी के लिए काम करते हैं। तो सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि अभी जिस प्लॉट पर हम ओकड़ा के खड़े हैं वो इंडिया की सबसे बेस्ट में से है? यस यस, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट ओकड़े की प्लॉट पे अभी हम खड़े हैं। और जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पे अभी डेकोरेशन वगैरह सब शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे टेंट वेंट और जो भी पूरा डेकोरेशन है वो सब भी धीरे धीरे लग रहा है, और इसके बाद ये पूरा हम लोग इसको डेकोरेट करने वाले हैं, पूरा ऐसे घर बना करके पूरा रिबन से इसको सजाने वाले हैं। उसके बाद इस प्लॉट पे आज हम लोगों ने फार्मर मीटिंग रखी है और उस मीटिंग में हमारे आरबीएम सर एंड टेरिटरी मैनेजर जो कि समस्तीपुर के हैं आनंद सर, वो भी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। और फिर आपको सारे लोगों से और बहुत सारे मात्रा में फार्मर्स भी आज इकट्ठा होने वाले हैं इसको देखने के लिए। तो हम जब वो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं फिर हम आपको उन सब से भी इंट्रोड्यूस कराएंगे, और प्लस में इस ओकड़ा की क्या खासियत है और क्यों हम बोल रहे हैं इसको कि हाँ ये इंडिया की सबसे नंबर वन ओकड़ा क्वालिटी में से एक है, ये भी आपको ज़रूर बताएंगे। तो तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करिए, और जैसे ही सब डेकोरेशन खत्म होता है फिर से आपको एक बार पूरा प्लॉट दिखाते हैं और पूरा डेकोरेशन भी आपको दिखाते हैं। सो जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि हमारे सीनियर और समस्तीपुर के टेरिटरी मैनेजर आनंद सर भी मौजूद आ चुके हैं। अभी थोड़ा देर पहले ये गए थे कुछ गिफ्ट लेने के लिए, जो कि सरप्राइज गिफ्ट है दिवाली का फार्मर्स के लिए, वो लेने के लिए अभी आनंद सर गए थे। वो गिफ्ट अभी रिवील नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा आनंद सर से भी जानते हैं कि सर मैंने इंट्रोड्यूस कराया है इस ओकड़ा को कि ये इंडिया की नंबर वन ओकड़ा है, आपका इस पे क्या कहना है सर? अभी तक जितना भी ओकड़ा हमने देखा उसमें सबसे हिट और सबसे नंबर वन ओकड़ा है कावेरी का जो है, ऐसा अभी तक कहीं भी नहीं देखा हमने। हर कंपनी से अच्छा है इस जो कहा जाए तो किसान का नंबर वन पसंद है जो कावेरी का। यस सर, तो इसके बारे में और भी बाकी डिटेल्स आपको शेयर करेंगे और एक एक खासियत आपको बताएंगे जब मीटिंग शुरू होती है। अभी डेकोरेशन आधा हो चुका है, अभी अब बाकी है, जब मीटिंग शुरू होती है तो इसके बारे में और भी आपको डिटेल शेयर करते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, सस्पेंस थोड़ा सा बना रहना जरूरी है। तब तक हम अपने आरबीएम सर का भी वेट करते हैं, वो भी 3 बजे तक यहाँ पे पहुँच जाने वाले हैं। सो फाइनली हमारा जो भी प्लॉट है जिस प्लॉट पे हमारा ये डेमोन्स्ट्रेशन वाला प्रोडक्ट लगा था जो हम किसानों को दिखाने के लिए लगाए थे, इसके पीछे में जो ये देख रहे हैं ये पूरा का पूरा हमने एक बार आप इधर से भी देख सकते हो, ये पूरा पूरा कावेरी सीड का बैनर है जो कि पूरा रोल किया गया है चारों साइड में, जितना दूर में भी हमारा पूरा पूरा एरिया है कवरिंग है जिसमें हमारा प्रोडक्ट लगा है उसको हम लोगों ने पूरा कवर किया है। और बीच में हम लोगों ने इंडिकेट करने के लिए एक वहाँ पे और एक वहाँ पे कावेरी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम लोगों ने वहाँ पे हाईलाइट किया है। एंड सेकेंडली हम लोग जो भी फार्मर्स हैं उनको दिखाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रोडक्ट का बैनर यूज़ किया है, और एक बैनर हम लोगों ने और यूज़ किया है जो कि आप वहाँ पे देख सकते हो कि वहाँ पे एक बैनर हम लोगों ने उस साइड से, ताकि जो भी लोग मीटिंग में बैठेंगे वहाँ पे जो भी बड़े बड़े किसान आ रहे हैं उन वो सारे वहाँ से देख सके और प्रोडक्ट को जान सके। नाउ यहाँ पे हमारा प्लॉट को पूरा तरीके से हमने कवर कर लिया है, वहाँ पे आप पीछे में देख सकते हो कि चेयर वगैरह भी लग गई है और जो भी टेंट का काम था वो भी वहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नाउ अभी हमारे आरबीएम सर के आने का वेट है, उसके बाद में ही यहाँ पे मीटिंग शुरू होगी और धीरे धीरे किसान लोग भी आना शुरू हो गए। अभी वो सामने वाले जो घर है वहाँ पे सब इकट्ठा हो रहा है, फिर धीरे धीरे सब यहाँ पे आकर के बैठेंगे और यहीं से हमारी जो भी उनसे बातचीत है वो सब शुरू होगी और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे। सो अभी हमारा हम लोगों ने क्या किया है कि ये प्रोडक्ट अपने जो भी तैयारियाँ थी हमारी सड़क के आने से पहले और जो भी हमारे पिक किसान हैं, जो भी बड़े बड़े किसान आज आने वाले जिनसे हमारी मुलाकात होगी, उन सबको दिखाने के लिए जितनी भी इसके अंदर से पहले निकल जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने तैयारी कर ली है। और इनफैक्ट कुछ प्रोडक्ट भी हम लोगों ने पूरा पूरा टेबल पे सजा करके रख दिया है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ एक बार, पहले लेके चलता हूँ सामने अंदर में।
सो अभी हम मौजूद है टेंट के अंदर में, जहाँ पर आप देख सकते हो पीछे में कि पूरा पूरा हमारा एक वेलकम बैनर लगा है, और साइड में हमने वहाँ पे कावेरी का जो है जिस प्रोडक्ट को हमने हाईलाइट करना है, जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि ये इंडिया की नंबर वन ओकड़ा है, उसका हमने वहाँ पे बैनर यूज़ किया है। साथ में हमने एक कुकुम्बर रानी का पोस्टर यूज़ किया है, हमारा एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट कड़ैली जिसको छोटा साइज में जो आता है कड़ैला 67 नंबर, उसको हमने हाईलाइट किया है। उसके बाद एक लूसिया का भी हमने हाईलाइट किया जिसको भी हमने उसी प्लॉट में कवर अप कर रखा है, एंड एक वेलकम बैनर है। और साथ में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे हमने जितने भी हमारे प्रोडक्ट है उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे लाइन से रखा है ताकि हम किसानों को दिखा सके, जो भी किसान यहाँ पे बैठेंगे उन सबको ये हम दिखाने वाले एक एक करके। मैं आपको प्रोडक्ट की एक क्लोज वीडियो शॉट भी दिखाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि ऑलमोस्ट सारा कुछ डन हो चुका है और आरबीएम सर भी पहुंच चुके हैं। अभी मीटिंग 5 से 10 मिनट में स्टार्ट होने जा रही है। बीच में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकता है जहां पर मैं इंट्रोड्यूस ना करा पाऊँ, लेकिन पूरी जो लाइव चीज़ें होने वाली वो मैं सब दिखाने की कोशिश करूंगा, और उसमें पूरी डिटेल्ड हम जानने की कोशिश करेंगे कितना ज़्यादा मैं क्यों एक्साइटेड था और इस ओकड़ा के प्लॉट पर हम लोग इतनी सुबह से क्यों काम कर रहे हैं। बिकॉज जहाँ पर हम सर्व कर रहे हैं वहाँ पर हमारी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए, बस ये चीज़ हम देख करके सर्व करते हैं, एंड डैट्स वाई हम लोग इतने सुबह से काम कर रहे हैं और इतने सुबह से हम इस पर जुटे हुए थे। सो हमारा जो ओकड़ा है जोए के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और पहुंच भी चुके हैं बहुत सारे फार्मर्स भी अंदर में इकट्ठा हो चुके हैं, और इन साड़े के ऊपर मैं भी डिस्कस होने वाली, तो साड़ी कुछ मैं लाइव दिखाता हूं और फिर उसके बाद में देखिए और आप लोग सोचिएगा कि कैसा लगा और कैसा नहीं लगा। ये कंपनी दो डिवीजन में काम करती है, एक है फीड क्रॉप जिसको आप लोग जानते हैं धान मक्का का है, मक्का गॉड फादर है, धान 468 है, 90 है, और हम जो आए हैं यहाँ पे थ्री केबल हम लोग देखते हैं, थ्री केबल की तरफ से है, और हमारे माननीय मिस्टर आरपी सर जी हैं जो पूरे बिहार देखते हैं, मैं उनके लिए एक जोरदार ताली बजाइए जो बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हैं, यही पर आमंत्रित करता हूँ। चलिए धन्यवाद, थैंक यू आनंद, और कावेरी सीड कंपनी की तरफ से आप सब लोगों को धन्यवाद, और मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग इतना दीपावली का समय भी पास होते हुए भी आप लोगों ने इतना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और धन्यवाद दे रहा हूं। सबसे पहले आप सब लोगों को मीटिंग करने स्टार्ट होने से पहले एडवांस, चूँकि दीपावली में तो हम यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, सब लोग अपने घर पर दीपावली मनाते हैं, तो इसके लिए दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएँ और ढेर सारी आप लोगों को खुशियाँ भगवान प्राप्त करे, ऐसा मैं कामना सबके लिए करते हुए जा रहा हूँ। क्योंकि ये जो गांव है चिरंजीवीपुर गांव पूरा हमारे लिए बहुत ही लकी गांव हम मानते हैं, और हमारे किसान बंधु जो हैं बहुत सपोर्ट करते हैं कावेरी सीड्स को, कावेरी फैमिली को। मेरा नाम राम प्रकाश सिंह हुआ, एज ए रीजनल बिजनेस मैनेजर के पोस्ट पर मैं काम करता हूँ। हम लोग सारे आदमी एक परिवार है, सेल्समैन है, कावेरी फैमिली के सब लोग यहाँ पे आए हैं, और 11/07 के बाद हम जो नया वैरायटी दिए हैं कुछ 3-4 वैरायटी उसके बारे में आपको बताएंगे हम। और ये जो लोग नए दूर दूर से लोग यहाँ पे चल के इसलिए आए हैं कि पूरे बिहार में इस बार बारिश बहुत हुआ है, वो है ना बारिश, और बारिश होने के कारण बहुत जगह पे प्लॉट भी पानी में चला गया है ना। हम लोग हर जगह जगह पे 2-4 डिस्ट्रिक्ट में ये भिंडी लगाए थे नया नया भिंडी, लेकिन बहुत जगह पानी डूब के चला गया, जो लो लैंड एरिया था चला गया, तो इस प्लॉट ऐसा हमको एक मिला है और एक दो जगह प्लॉट मिला है जिसपे हम लोग पूरे बिहार के टीम वहाँ फोकस कर रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं, लोग से जाएंगे प्लॉट पे पूछेंगे बताएंगे उसमें क्या अच्छाइयाँ लग रही है, क्या हमको इम्प्रूव करना चाहिए। और क्योंकि कोई भी एक बीज जब तैयार होता है तो उसकी उसको जो है बनाने में हमारे साइंटिस्ट को 4 से 5 साल समय लगता है, लेकिन हमारे पास जो एक टेक्निक है जो आधुनिक मशीन होता है जिसके कारण हम 2 साल कम यानी 3 साल में कोई नया चीज़ देते हैं आपको, तो हमने एक भिंडी आपको ज्वाय दिया है जिसके बारे में आपको बताएंगे और दिखाएंगे भी, और हम लोग उसको खुद भी चल के देखेंगे। देखिए जब कोई नया चीज आता है ना तो बहुत ऐसे गांव में किसान होते हैं, बहुत ऐसे जगह पे ऐसे हम लोग को मिलता है कि नया चीज को लगाने में बहुत किसान डरते भी हैं, डरना भी चाहिए, मैं भी रहूंगा तो डरूंगा, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा, लेकिन कोई कोई हिम्मत डाल के ही रिक्स लेके ही खेती करते हैं, ऐसे सारे किसान हिम्मत लगा के ही खेती करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं पता नहीं है ना। तो ये किसान के लिए मैं इसलिए ताली आप लोगों को मरवाया हूँ, इसलिए इनसे बताया हूँ कि पिछले बार भी इन्होंने रिक्स लिया और इस बार भी रिक्स लिया, और इनके माफक फिर देख के और फिर हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको मनीष जी बोलूंगा
कि आपका अनुभव कैसा है इस प्लॉट में और ये भिंडी जो हुआ है वो कैसा आपको लगा और कैसे आपने लगाया, बस दो मिनट का स्टोरी थोड़ा बताना, मैं सुनना चाहता हूँ आपसे कि कैसे आपने मतलब ये स्टार्टिंग में लगाया, कौन कौन सी वैरायटी लगाया आपने और कैसा आपका अनुभव रहा है, इसके बारे में थोड़ा किसान बंधु को आप बताइए जो आपको लग रहा है। प्लीज सर, इस प्लॉट में चार भिंडी लगाए हुए हैं, चार भिंडी लगाए हैं तो जोत नहीं हो पाई है, उसके बाद हाथ से रोपे हुए हैं और इसमें दो भिंडी जो है लुसिया और जय, ये दोनों भिंडी एक ही कंपोजिशन में है, जिसमें लुसिया जो है उसका तोराई लगभग 20-22 हो गया है और जो जय है उसका तोराई 3-4 भान पीछे हुआ है, लेकिन इसका लाइफ लंबा हुआ। प्लांट का हाइट कैसा लगा आपको? हाइट जो सर है, ये जो है इसका हाइट सेम है। ये चार प्लॉट आपका लगा है, 1, 2, 3, 4 वैरायटी अलग अलग लगा हुआ है जी। एक नंबर किसको देंगे आपको? सबसे एक नंबर देना हो तो जी, जो आएगा सबसे एक नंबर देंगे, और दो नंबर देना हो तो किसको देंगे? दूसरा नंबर देंगे लुसिया को देंगे, मतलब पहला जो आए और दूसरा लुसिया। आपके पास में लगभग चार वैरायटी लगा हुआ था, एक कौन वैरायटी लगी थी आपकी? वो है US का 0.17। कितने रुपए में पैकेट में आपने परचेज किया था उसको? ये 600 का आसपास है। ठीक है, अभी और उसके मुकाबले कैसा लग रहा है आपको मुकाबले उससे? सर अभी तक जो हम भिंडी रोपे हुए हैं इसके कंपेरिजन में कोई भिंडी ही नहीं। अच्छा, इसी कंपेरिजन में मतलब यहाँ भिंडी नहीं है कि और भी जगह पे कहीं आपको लग रहा है कि आपके एरिया में? जो हमारा अनुभव है जो हम रोपे हुए भिंडी। अच्छा, 20-22 जो बोला, 20-22 प्रति भांज किलो? नहीं, 20-22 अभी तक टूट चुका है पौधा में, ये इनका कहना चाह रहे हैं। यील्ड क्या है सो कर? हाँ, यील्ड के बारे में आप जितने बताइए। यील्ड जो है सर इसका स्टार्टिंग हुआ था 20 केजी और अभी है 10 केजी पर, कंटिन्यूस 10 केजी पे है। वो अभी छोटा छोटा लाइन है, नियर अबाउट हमको लगता है कि कितना पौधा आपका लाइन से हुआ कुछ आपको ध्यान में है? चल के देखेंगे हम लोग उसको कितना पौधा है, और इनका कहना है कि 10 केजी का रेशियो आ रहा है ना। अब वो पौधा देख के आपको अनुभव ये हो जाएगा कि कैसे उसका यील्ड आ रहा है। और भिंडी में सबसे ज्यादा समस्या जो होता है वो तोड़ने में होता है, सबसे ज्यादा समस्या तोड़ने के प्रति कैसा है ये बताइए? तोड़ने में बहुत ईजी है, तोड़ने में आपको आसान है। भिंडी आपका हरापन में कैसा है ये बताइए? क्वालिटी भी है इसका। मार्केट में जाएंगे तो पहले रेट जो जनरल रेट आता है उसे 2 रुपए टाइट मिलेगा या उसी रेट बिकेगा? सर वैसा बात नहीं है, बिक जाएगा तुरंत भिंडी, आज भी गए बिक गया भिंडी। अच्छा, गए तो तुरंत भिंडी बिक जाता है क्योंकि उसका कलर इतना अच्छा है जिसके कारण वो जल्दी भिंडी आपको मार्केट में बिक जाता है, ये कहने का मतलब है आपका। एक बार विनम्रतापूर्वक सब लोगों से निवेदन है कि सारे आदमी छुआ चलते हैं इस प्लॉट पे। पहला प्लॉट तो हमारे कंपनी का नहीं है, दूसरा है जो इन्होंने बोला कि शायद 5200 या 5500 रुपए किलो पड़ता था। हाँ, तो उसके बगल में जो है ज्वाय है, उसके ठीक बगल में लुसिया है, जो आपको फ्यूचर प्रोडक्ट है, मतलब आगे आने वाले समय का जो आपके एरिया में जो लगने वाला है या अच्छा लगेगा तो उसको हम बीज का प्रोडक्शन करेंगे, वो दिखाना चाह रहे हैं और अपना अपना अनुभव आप वहां से लेके आएंगे और फिर हम उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे, देखने के बाद बात करने में ज्यादा मजा आता है। ये जो है जो ज्वाय वैरायटी हमारी है, जहाँ पे एक किसान खड़े हैं वहाँ से लेके कहाँ तक है ये वैरायटी? जहाँ पे वो हमारा ज्वाय का बोर्ड लगा हुआ है वहाँ तक है। तो ये जो है इतना दूरी जो देख रहे हैं, इतने दूरी में जो ज्वाय हमारा है ये प्लॉट यही है ना। इसको किसी के बारे में कुछ बात करना हो तोड़ के देख सकते हैं, इसका किसका पास पास फलन है कैसा है, भिंडी तोड़ के भी देख सकते हैं, हमारे तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। तोड़ने का मतलब ये मालूम पड़ेगा, तोड़ने का मतलब ये मालूम चलेगा कि तोड़ने में कैसा है, ये मैं पूछ आधा आधा किलो नहीं तोड़िए, एक दो फल तोड़िए, तोड़ने से अनुभव हो जाएगा कि कैसा है, नहीं तो फिर अगले बार ये किसान बोले कि हम नहीं लगाएंगे आपको। हल्का तोड़ने में है ना? बहुत हल्का है। रंग कैसा लगा आप लोगों को? अच्छा है, मतलब पौधे का हाइट भी देख लीजिए, 20 तोराई हो चुका है, पौधे का लंबाई भी देखिए कैसा है इसमें। अच्छा, आपने पास कर दिए हैं, आप बताइए आपने पास किया है सर? जी, आपके तरफ से ये पास है। चलिए गुड। एक बार क्या है कि जिनको ये भिंडी अच्छा लग रहा है एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कि अगले बार लगाएंगे सब लोग लगाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा लगा, इसका प्रोडक्शन किया जाए अगले बार से ना। आप बताइए कैसा लगा आपको? ये कुछ लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, इससे मैं उनसे पूछ रहा हूँ कैसा लगा। कौन
उसके बगल में लूसिया लगा हुआ है, अगर किसी को देखना है चल के वहाँ भी लूसिया देख सकते हैं। दोनों वैरायटी है, दोनों वैरायटी को हम लॉन्च करेंगे इस बार, देंगे आपको हम, है ना। तो उसको भी आप चल के वहाँ पे देख सकते हैं जिनको इच्छा है देखने का। बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग का मनोबल बढ़ रहा है कि एटलीस्ट आप देखने की क्षमता सारे किसान में है। हाँ, ये एक ही दिन का रोपा हुआ है, दोनों सब जुलाई का लगा हुआ है। ये जो है ना, हम लोगों ने फरवरी जनवरी से लेकर के 15 जनवरी के बाद से लेके और ये पूरा जुलाई और अगस्त सितंबर पूरा ये 6-7 महीना इसका बिचड़ा गिरेगा, मतलब इसका ठंडा और गर्मी दोनों बर्दाश्त करने की क्षमता है इसके अंदर। ठीक है, अभी के हिसाब से कैसा लग रहा है सो बताइए। अभी तो बहुत बढ़िया। देखिए होता नहीं है, कहावत है कि बच्चा जन्म लेता है ना तो उसका चलने फिरने का थोड़ा सा लोग ढंग लगा देता है, कैसा होगा क्या होगा उसके हिसाब से बताइए, आपका अनुभव के हिसाब से बताइए। अभी तो बढ़िया है, सबसे बढ़िया है। एक और खासियत है जो मैं आपको सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, पहले बताना चाहिए, बहुत सारे भिंडी क्या होता है ना, एक दिन छोड़ देते हैं तो भिंडी मोटा रहता है, मोटाएगा नहीं, पतला रहेगा, लंबा भाग जाएगा, है ना, लेकिन मोटा नहीं होगा। मोटा होने से क्या होता है, कस्टमर जल्दी पकड़ेगा नहीं, तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, है ना। और ग्रीन आप देख रहे हैं नीचे से ऊपर तक पूरा ग्रीन का ग्रीन ही है। दूसरा क्या है कि इसमें रोवा भी मुलायम रोवा है, जो कि आपको हाथ में नुकसान जो तोड़ते हैं ना वो उससे ही थोड़ा बचाएगा आपको, है ना। जब हमारे कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट नया आता है जो किसान लोग लगाते हैं तो हमारे कंपनी के तरफ से उनको पुरस्कार दिया जाता है, तो अवसर मनीष जी प्राप्त किए हैं, तो प्लीज अपने सर आरपी सर को और आप मनीष जी कहेंगे कि कृपया करके इनको जा सके। चलिए ओके, चलिए धन्यवाद आपको, थैंक यू। इनको फिर भी लगाएगा टाइम होना चाहिए। और आप सामने जी प्लीज थोड़ा आप इनको पकड़िए, इनको आप अपने स्पीड दीजिए। चलिए इनके लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि ये जो है हौसला बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं। दूसरा नया कोई भी प्रोडक्ट आता है तो किसान भाई लगाने से डरते हैं कि कैसा होगा नहीं होगा, लेकिन मनीष जी ने आज तक जो भी हम दिया है वो कभी सोचे नहीं क्या होगा, लेकिन इन्होंने अच्छा किया है खेती और अच्छा हम लोग का सपोर्टिंग भी करते हैं, इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है। क्या दिया है इनको ये तो बता दीजिए लोगों को, हम लोग देखना चाहते हैं। आपके परमिशन है, मतलब परमिशन आपका है, दिखा दे लोगों को। आप अपने हाथ से हाथों से इसको खोलिए और लोगों को दिखा दीजिए कि क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और तो फाइनली अभी सारा मीटिंग ओवर हो गया, हमने प्लॉट का आपको फोटो दिखाया, प्लॉट पे जाकर के हमने जो किसान का रिस्पांस था वो दिखाया, पूरी मीटिंग का पूरा व्यू दिखाया, हर एक चीज़ जो भी चीज़ें हुई वो सारा कुछ दिखाया। और आप लोगों ने देखा भी कि क्यों हम लोग कह रहे थे कि ये ओकड़ा जिसको भिंडी हम लोग बोलते हैं वो क्यों इतनी वर्ल्ड बेस्ट क्वालिटी की ओकड़ा है और क्यों ये मार्केट पे राज करने वाली है, सारा कुछ हमने आपको डिटेल शेयर किया। वेरी मच, तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।